सर अग्निपथ योजना पर सर ये इस पर मेरी पार्टी अपना बयान देगी, पर हम ऑथराइज नहीं हैं। युवाओं को सर फायदा होने वाला है सर इसे योजना से? अब तो योजना को पूरा देखने में पता चलेगा। बिहार एसएससी का 2014 का बहाली अभी तक सर फाइनल नहीं हो पाया है। बिहार एसएससी का इसकी जानकारी हमको नहीं है। हम तो नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहार कलम। हमारे साथ गया शिक्षक से एमएलसी संजीव श्याम जी हैं, आइए जी इनसे कुछ बात करेंगे। सर गया शिक्षक से हैं सर, सर गया से सर शिक्षा को लेकर सर कोई प्लानिंग है क्या? जो सर जो कॉलेज स्कूल जो सर हैं पहले से सर उनमें स्थिति सर बहुत ख़राब देखी जा रही है सर, पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है, इसको लेकर सर आपकी सर क्या प्लानिंग है? अरे प्लानिंग तो हम लोग सरकार को सुझाव देते हैं और सरकार जो है अभी हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पहले जब नीतीश जी आए थे सत्ता में उस समय ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कम था, 11-12% था, बाद में 13 हुआ, आज 19 हो गया है। तो पहले तो कोशिश किया जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन में पढ़ें, इसके लिए इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन बहुत से खुले हैं, यूनिवर्सिटी है गया में, 2-2 यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, महाविद्यालय हैं, कई महाविद्यालय हैं, गया कॉलेज है, एएम कॉलेज है, जगजीवन कॉलेज है, महिला कॉलेज है, कई वित्त अनुदानित महाविद्यालय हैं। इसके बाद पॉलिटेक्निक है, 2-2 पॉलिटेक्निक है, आपको टेकारी में पॉलिटेक्निक है, गया में पॉलिटेक्निक है, अन्य जो ITI है, तो एक प्रयास किया जा रहा है। और अभी तो हम लोग क्वांटिटेटिव चेंज की ओर हैं, क्वालिटेटिव चेंज उतना नहीं हो रहा है दोबारा। जब भी क्वांटिटेटिव चेंज होता है तो क्वालिटेटिव चेंज में कमी रहती है, फिर जब स्टेबलाइज करता है सिचुएशन तब जाके उसमें क्वालिटी। गया से सर मगध विश्वविद्यालय का नाम हमेशा उछाला जाता है, मगध विश्वविद्यालय में 3 साल की कोर्स को सर 5 से 6 सालों में सर कराया जाता है, सर इसको लेकर सर कुछ सुधार होगी? देखिए ये कोर्स जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बीच में 3 साल का कोर्स लगभग 3 साल में पूरा हो जा रहा है। ये इधर कुछ अव्यवस्था फैली है और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पर बिहार सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो पूरी तरह से चांसलर मंगल के विद्यालय पे तो बिहार सरकार का तो उसमें है नहीं, बात जानिए आप जी, चांसलर का ही सब रहता है जी, उस पर नियंत्रण चांसलर का है, चांसलर के द्वारा वाइस चांसलर बहाल होते हैं, प्रो वाइस चांसलर बहाल होते हैं, रजिस्ट्रार बहाल होते हैं, सारे जो फाइनेंस ऑफिसर फाइनेंशियल एडवाइज़र, सरकार सिर्फ पैसा देती है, सरकार का बहुत रोल उसमें नहीं है। इसलिए और इधर को की सर व्यवस्था जो शिक्षक होनी चाहिए सर सरकार की ही तो होती है ना? नहीं नहीं, वो यूनिवर्सिटी जो है ना ऑटोनोमस बॉडी है, समझिए ना, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, सरकार उस पर चांसलर महोदय का ही डायरेक्ट नियंत्रण। सर सरकार तो मांग कर सकती है, सरकार चांसलर महोदय को कहती है ये आप कर दीजिए, ये सुधार कर दीजिए, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो वहाँ बहुत बिगड़ गई है, निश्चित रूप से बिगड़ गई है, और यह समाज के हित में नहीं है। सरकार की बदनामी होती है लेकिन सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, कठिनाई में है। और चांसलर साहब के यहाँ जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था में ही का ही देन है जो 3 साल का कोर्स 5 साल में पूरा होगा। सर गया शिक्षक संघ से सर आप निर्वाचित हुए हैं, सर गया को लेकर कुछ तो सर आपके मन में कुछ होगा कि हम वहाँ के युवाओं के लिए छात्र के लिए कुछ कर सकते हैं, विशेष प्लानिंग कुछ विशेष प्लानिंग सर गया क्षेत्र के लिए? नहीं, विशेष देखिए हम लोग प्रतिनिधि हैं जी, हम लोगों के डायरेक्ट हाथ में कोई चीज़ नहीं रहता है, हम लोग भी। और आप तो सर लेटर सरकार को दे सकते हैं कि पत्र न दे सकते हैं, हम लोग सवाल उठाते हैं, कानून बनाने के लिए कहते हैं। तो सर सवाल उठाएगा तो स्वाभाविक है कि उसमें काम होगा, बताए तो एजुकेशन के सुधार के लिए तो कह ही रहे हैं हम, असली तो सुधार है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे पढ़ें,
ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़े, यही प्लानिंग है। जब पढ़ेंगे तभी उसका असर होता है। आज देखिए बच्चों में पढ़ाई बढ़ी है, एजुकेशन लेवल आया है, तो आज पॉपुलेशन पर नियंत्रण हुआ है। आज सर्वे आया है कि बिहार में जो पहले प्रोडक्टिविटी रेट था वो 4.3 था 2005 में, आज वो पढ़ाई लिखाई से, मैट्रिक पास करने से, इंटर पास करने से, ज़्यादा संख्या में पढ़ने से और ख़ास करके बच्चियों के पढ़ने से उस रेशियो में काफ़ी गिरावट आई। आज बिहार का प्रोडक्टिविटी रेट 3 हो गया है, नेशनल एवरेज 2 हो गया, मतलब देश ने आज एक खुशी की बात है कि जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया है, अब जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। सर, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है जिसमें बोला जाता है कि शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। पिछड़ा हुआ राज्य इस पर हम थोड़े कह रहे हैं, शिक्षा में सुधार हमारे यहाँ हो रहा है, रिलेटिव टर्म है ये। पिछड़ा जो है किसकी तुलना में क्या कर रहे हैं, दुनिया में अमेरिका की तुलना में इंडिया में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जो 200 के रेंज में आ गए, तो इंडिया पूरा पिछड़ा हुआ है अमेरिका की तुलना में। सर परीक्षा को लेकर जी परीक्षा को लेकर सर भी बनाना आगे है, इससे रिलेटिव टर्म किससे आप तुलना कर रहे हैं। हम तुलना करते हैं पुरानी स्थिति से, वो तुलना कर रहे हैं डेवलप्ड स्टेट से, तो उसी तरह से अगर वो तुलना करें इंडिया का डेवलप्ड स्टेट अमेरिका से, तो अमेरिका कहाँ इंडिया ठहरता है। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया का जो टोटल टर्नओवर है, अमेरिका का एक स्टेट कैलिफोर्निया है उतने ही के बराबर उसका टर्नओवर, तो कितना पिछड़ा है वो। सर विकसित देश है, हम विकास ना तो दिए आपको, रिलेटिव टर्म है ना जी। तो पिछड़ा नीति आयोग कह रहा है तो ठीक है, वो अपने देश की तुलना में कर रहा है। हम यहाँ जब हमारी सरकार आई, जनता दल यू की सरकार आई, उस टर्म में हम सोचते हैं कि हम पहले की स्थिति से आज की स्थिति बेहतर हैं कि नहीं है, दैट इज़ द टर्म। ठीक है सर, शिक्षा के सुधार हो रहे हैं, लेकिन छात्रों के लिए सर कोई प्रतियोगिता परीक्षा BPSC हो या अन्य एग्जाम, सर वहाँ पे सर प्रश्न पत्र लीक के मामले हमेशा देखे जाते हैं सर। ऐसा नहीं हो रहा, ये बहुत दिनों के बाद ये घटना डी पी एस सी ऐसा नहीं है, पर BPSC की परीक्षा पहले लगातार और भी सारे एग्जामों में भी तो सर होती है। जैसे बताइए बिहार SSC का 2014 का बहाली अभी तक सर फाइनल नहीं हो पाया है। बिहार SSC का उसकी जानकारी हम तो ऐसे जानते हैं कि सर एक छात्र युवा के लिए सर अग्निपथ योजना सर आया है, सर पूरा आक्रोश देखा जा रहा है, पूरे बिहार में तोड़ फोड़ किया जा रहा है सरकार के द्वारा, BJP जदयू के द्वारा दोनों में बातचीतें चल रही है। BJP का कहना है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और यहाँ का बहुत सारे आक्रोश छात्र युवा आक्रोश दिख रहे हैं, कहीं ट्रेन लगा दिया जा रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे सर अग्निपथ योजना पर सर? ये इस पर मेरी पार्टी अपना बयान देगी, पर हम ऑथराइज नहीं है कि हम बयान दे दें, कुछ भी तो सब बता सकते हैं युवाओं को, सब कुछ क्या कर सकते हैं हम, जो बताएंगे हमारे वो आप पार्टी का बात बोल दीजिएगा, इसलिए मैं ये तो पार्टी बोलेगी क्या नहीं, हम पार्टी की बात नहीं सर, आपका हम पर्सनल सर लेना चाहते हैं, हम नहीं बोल सकते। मान लीजिए पार्टी क्या स्टैंड ले रही है, हमारी बातें कुछ हो जाएंगी तो भिन्नता हो जाती है, ये मेरा फिर व्यक्तिगत बात हो जाएगा, तो व्यक्तिगत बात बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निपथ का जो अपना केंद्र सरकार का निर्णय है, अब लड़के क्या समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं वो उनका आउटलुक है, लेकिन तोड़ फोड़ करना ये कहीं से उचित नहीं लगता। बाकी अपना विरोध प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन हमको तो नहीं समझ में आता है कि तो फायदा होने वाला है सर इसे योजना से, अब तो योजना को पूरा देखने में पता चलेगा। ऐसे भी हम समझते हैं कि 17 साल और 21 साल के बच्चों को अगर काम मिल जाता है, उसको ट्रेनिंग मिल जाती है, उसको कुछ पैसा भी मिल जाएगा तो अच्छी बात है। सर सैनिक तो सर पैसे के चलते नहीं जाते, वो सब सेवा भाव से जाते हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, ये ठीक है वो अलग बात है, लेकिन जो पैसा तो मिलता ही है ना, पैसा तो मिलता ही है। वो जो लड़के जितना तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो नौकरी के लिए ही तो कर रहे हैं, वो फौज में वहाँ जाके सेवा करने के लिए तो नहीं करेगा, सेवा का भाव रहता तब तो वो इतना तोड़ फोड़ तो नहीं करते। सर दैनिक जीवन में जरूरत होती ही है, लेकिन दोनों बात एक सैनिक की भाव सर सेवा के प्रमुख देखा जाता है सर, प्रमुख सेवा का भाव नहीं है, वो सैनिक बनने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह का ट्रेनिंग मिलता है ताकि उसमें वो भाव जगता है, ट्रेनिंग ऐसी रहती है, तो ट्रेनिंग सरकार 4 साल दे ही रही है, वो ट्रेनिंग ऐसा देती है कि उसमें भाव जगा रहा है। अनट्रेंड है वही तो है, अभी अनट्रेंड है तो तोड़ फोड़ कर रहा है, उसी देश के संपत्ति को वो नष्ट कर रहा है, कैसे आप कह सकते हैं कि देशभक्ति का भाव है,
वो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में उसको सिखाया जाता है कि धीरे धीरे वो मोटिवेट हो जाता है, उस देशभक्ति की ओर मोटिवेट होता है। तो अब ये योजना सरकार ने लाया है, अब उसका अपना आउटलुक है, सरकार ने सोचा है, हर सरकार हर पार्टी का अपना व्यू है। आपके अनुसार सर योजना ठीक है युवाओं के लिए? अब हम कहें तो हमने अभी पूरा उसको देखा नहीं है, पूरा हम समझे नहीं हैं, हम कैसे ऊपर कह सकते हैं कि योजना सही है कि गलत है। वो तो पूरा देखेंगे, समझेंगे, उस पर पूरा गहन विचार करेंगे। तो अखबारों में जो थोड़ी बहुत बातें आ रही है उससे जो समझ में आ रही है, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि ये बहुत बुरा भी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।